जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, भारत रसिया और यूक्रेन के युद्ध में अभी भी तटस्थ है और भारत की इस स्टैंड का कई लोगों ने ये भी कर आशंकाएं जताई कि भारत लंबे समय तक अपने तटस्थता को नहीं अपना पाएगा। हालांकि दोस्तों, कई सारे पश्चिमी देशों ने तो भारत के ऊपर इतना दबाव बनाया कि उनका कहना ये था कि रसिया यूक्रेन युद्ध में यदि भारत यूक्रेन का और पश्चिमी देशों का समर्थन नहीं करेगा तो भारत की इस बिहेवियर की वजह से भारत और पश्चिमी देशों के द्विपक्षीय संबंध भी सही नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत मजबूती से डटा रहा और भारत ने पश्चिमी देशों के सारे दावे झूठे साबित कर दिए, क्योंकि भारत मौजूदा समय में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा है। और जहां तक द्विपक्षीय संबंधों की बात रही तो भारत को रसिया ने और अमेरिका ने अपने एडवांस हथियार को देने का प्रस्ताव दे डाला। और इसी कड़ी में जहां एक तरफ रसिया भारत को हाइपरसोनिक हथियारों की टेक्नोलॉजी देने में लगा हुआ है तो दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने F-21 फाइटर जेट में 5वीं पीढ़ी के रडार सिस्टम्स और कई सारी टेक्नोलॉजी, जिससे कि ये F-35 फाइटर जेट जो कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, उससे भी बेहतरीन और भारत के हिसाब से कस्टमाइज करने की भी बात कही जा रही है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, उसने ये दावा किया कि अमेरिका भारत को F-22 फाइटर जेट से भी बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और F-35 फाइटर जेट से भी बेहतरीन रडार सिस्टम, यानी कि उससे भी ज्यादा एडवांस रडार सिस्टम अपने F-21 फाइटर जेट में लगाकर भारत को भारत के हिसाब से कस्टमाइज कर देने का ऑफर कर दिया। वहीं दोस्तों, अमेरिका की राजदूत जूलियन स्मिथ ने बड़ा दावा करते हुए इस बात की पुष्टि करी है कि भारत के लिए नाटो संगठन का दरवाजा भी पूरी तरीके से खुला है। और उनकी इस बात को सरलता से समझा जाए तो इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि अमेरिका की एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी को भारत आने के लिए दरवाजा खुल चुका है। और अब भारत की बढ़ती इस ताकत को देखकर उन लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे जो कि इस तरीके की बातों का बखान किया करते थे कि रसिया यूक्रेन युद्ध में भारत लंबे समय तक तटस्थ रूप नहीं अपना पाएगा। बाकी आप सभी की इस खबर को लेकर क्या राय, कमेंट्स करके अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।